Slowpoke. लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। 1976 से पहले इसका नाम रायपुर हुआ करता था, जो के बाद में तब्दील करके इसका नाम फैसलाबाद रख दिया। आए हम आपको दिखाते हैं फैसलाबाद के कुछ मशहूर और मारूफ मकाम। क्लॉक टावर। क्लॉक टावर फैसलाबाद, इसकी बुनियाद 14 नवंबर 1903 को रखी गई। ये क्लॉक टावर कदीम यादगार में से एक यादगार है, जो आज भी बरतानवी राज से लेके आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। ये फैसलाबाद की मशहूर और मारूफ इमारत है लायलपुर म्यूजियम। लायलपुर म्यूजियम यूनिवर्सिटी रोड पर वाकई है। लायलपुर म्यूजियम का इनकार 2011 में उस वक्त के वजीर आला ने किया। ये म्यूजियम एक विरसा म्यूजियम है जिसमें 10 गैलरियां मौजूद है, जो फैसलाबाद की जदीद और कदीम तारीखों सकाफत को जाहिर करती है। डी ग्राउंड पार्क। डी ग्राउंड पार्क पाकिस्तान की मुकम्मल नुमाइंदगी करता है, क्योंकि इसमें मशहूर मकामात के मुख्तलिफ नमूने दिखाए गए हैं। ये पार्क दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक घुमटी फाउंटेन। घुमटी फाउंटेन फैसलाबाद में एक बेहतरीन तारीखी मकाम है, जो कि बरतानवी राज से आज तक महफूज है। 19वीं सदी के शुरू में तामीर किया गया था। घुमटी फाउंटेन फैसलाबाद की मशहूर तरीन जगह है। नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम। नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम पंजाब फैसलाबाद में वाकई है। पंजाब आर्ट काउंसिल इसका इंतजाम संभालती है। इस ऑडिटोरियम में किसी भी प्रोग्राम के लिए नाजरीन की 5,500 से ज्यादा तादाद की गुंजाइश है। इस शहर को इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है। तो ये था शहर फैसलाबाद अल्लाह ने के पास।